देश में 151 कोरोना मरीजों की पुष्टि। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर आम लोगों के लिए बंद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 दिन तक नहीं होगा कामकाज, कोर्ट होगा सैनिटाइज्ड। विदेश में फंसे 276 भारतीयों में कोरोना की पुष्टि। ईरान में सबसे ज्यादा 255 हिंदुस्तानी प्रभावित। यूएई में 12 और इटली में 5 मामले आए सामने। नोएडा में कोरोना वायरस का 4वां मामला आया सामने। इंडोनेशिया से नोएडा वापस लौटा था युवक। नोएडा के सेक्टर 41 का है मामला। बेंगलुरु में कोरोना के 2 और नए केसेस की पुष्टि। स्पेन से लौटे बुजुर्ग और एक युवती कोरोना वायरस से संक्रमित। यूपी के लखनऊ में भी कोरोना का एक मरीज सामने आया। एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लद्दाख में सेना का एक जवान कोरोना वायरस की चपेट में। अब तक 14 मरीज कोरोना के बाद हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या बढ़ी। महाराष्ट्र में अब तक 43 मरीज। कोरोना वायरस को लेकर पंजाब में सबसे बड़ी लापरवाही। लुधियाना में विदेश से आए 167 लोग हुए लापता। कोरोना वायरस को लेकर संसद भवन में भी बरती जा रही है सावधानी। संसद भवन के गेट पर लोगों की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। लखनऊ में सीएम योगी ने भी कराई थर्मल स्क्रीनिंग। योगी के साथ कैबिनेट के कई मंत्री भी थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरते आए नजर। वायरस से जुड़ी बड़ी और जरूरी खबर। कोरोना से टक्कर लेता हर हिंदुस्तानी यह खबर जरूर देखे। देश में स्टेज 2 से स्टेज 3 की तरफ बढ़ रहा है कोरोना। अभी जो इंडिया है उसकी स्टेज 2 है। जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 130 मिलियन है। इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया, जहाँ इतनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की, तो वहाँ अगर कम्युनिटी लेवल पे इन्फेक्शन आ गया तो उसको रोकना फिर बड़ा मुश्किल काम है। स्टेज 2 से ही दहल चुका है हिंदुस्तान। स्टेज 3 में क्या क्या होगा, अभी प्रॉपरली इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। कहने का मतलब जनरल पब्लिक में अभी ये ट्रांसमिशन नहीं है, एक्सेप्ट जो ट्रेवलर बाहर से आए हैं और जो उनके कॉन्टैक्ट में है वो पॉजिटिव केस है। तो ये राइट स्टेजेस में हमें इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। यही एक स्टेजेस पे आप रोक सकते हैं। एक बार कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया, मास लेवल पे हो गया, तो फिर बड़ा मुश्किल है इसे कंट्रोल करना। क्यों कहा जा रहा है अगले 10 दिनों में भारत में स्टेज 2 से स्टेज 3 में एंटर कर जाएगा कोरोना। क्या है कोरोना वायरस की स्टेज 3 का खतरा? क्या स्टेज 3 का कोरोना मौत लेकर आएगा? क्या स्टेज 3 का कोरोना लोगों में डर बढ़ाएगा? तैयार रहिए, सावधान रहिए। स्टेज 3 कोरोना से जुड़ा हर खतरा समझिए। स्टेज 3 कोरोना से लड़ने की रणनीति जानिए। अगले 10 दिन सावधान इंडिया।
खबर का टुकड़ स्पेशल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आफत बन चुके कोरोना वायरस से जुड़ी अहम और जरूरी खबर। ये खबर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि खबर आपको कोरोना के आने वाले खतरे से रूबरू कराएगी। हमारे देश में कोरोना वायरस फिलहाल स्टेज 2 में है और आशंका जताई जा रही है कि भारत में कोरोना स्टेज 3 में जा सकता है। इसीलिए अगले 10 से 15 दिन बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। आपकी, हमारी और सरकार की सतर्कता ही इसे स्टेज 2 से स्टेज 3 में पहुंचने से रोक सकती है, क्योंकि स्टेज 3 में अगर कोरोना पहुंचा तो ये घातक होगा। क्या 10 दिनों में स्टेज 3 में पहुंच जाएगा कोरोना? क्या 10 दिनों के अंदर बढ़ जाएगा स्टेज 3 कोरोना का खतरा? क्यों अगले 10 दिन कोरोना से सावधान रहना जरूरी? ये सवाल उठे उस वक्त जब आशंका जताई गई कि अगले 10 दिनों के अंदर भारत में कोरोना स्टेज 2 से स्टेज 3 तक पहुंच सकता है। स्टेज 2 कोरोना से भारत हैरान परेशान है। स्टेज 2 कोरोना के चलते देश में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्टेज 2 कोरोना की वजह से देश में 150 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। स्कूल, कॉलेज, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद किए जा चुके हैं। स्टेज 2 ने देश को हिलाकर रख दिया है, तो स्टेज 3 में क्या होगा ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज आपको समझाएंगे और बताएंगे क्या है स्टेज 3 कोरोना वायरस का कहर और कैसे लड़े स्टेज 3 कोरोना से। स्टेज 3 कोरोना वायरस नाम की इस महामारी का अगला चरण है, जिसमें कोरोना वायरस के मरीजों के बढ़ने की आशंका रहती है। कैसे, खुद समझिए। स्टेज 2 में हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के जो मरीज पाए गए उनमें कुछ वो लोग थे जो विदेश से संक्रमित होकर भारत लौटे थे और कुछ वो जो इन संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए। स्टेज 3 में भारत में पहले से मौजूद संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। देश में मौजूद कोरोना वायरस के मरीजों से दूसरे लोगों को वायरस का संक्रमण बढ़ जाएगा। ऐसे हालात में कोरोना से संक्रमित लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो इंडिया है उसकी स्टेज 2 है। स्टेज 2 में क्या होता है कि जो जैसे जो ट्रेवलर बाहर से आए हैं उनके जो कॉन्टैक्ट में आए लिमिटेड नंबर्स में वो केसेस अभी पॉजिटिव आए हैं। अभी प्रॉपरली इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, कहने का मतलब जनरल पब्लिक में अभी ये ट्रांसमिशन नहीं है, एक्सेप्ट जो ट्रेवलर बाहर से आए हैं और जो उनके कॉन्टैक्ट में आए वो पॉजिटिव केस है। तो ये राइट स्टेज है, इसमें हमें इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन में क्या होगा, जो भी पॉजिटिव पेशेंट है या सस्पेक्टेड केस है दूसरे कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस कम हो जाएंगे और इन्फेक्शन कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो इन्फेक्शन है उससे बच जाएंगे। तो यही एक स्टेजेस पे आप रोक सकते हैं। एक बार कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया, मास लेवल पे हो गया, तो फिर बड़ा मुश्किल है इसे कंट्रोल करना। इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया, चाहे इतनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की, तो वहाँ अगर कम्युनिटी लेवल पे इन्फेक्शन आ गया तो उसको रोकना फिर बड़ा मुश्किल काम है। स्टेज 3 में कोरोना वायरस पहुंचा तो आशंकाएं सच हो सकती। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ेगी। कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि कोरोना वायरस का अब तक का मोर्टिलिटी रेट काफी कम है। तो अभी तक जो सामने आया है इसकी जो मोर्टिलिटी है नियरली 3-4%, ये 3.4% हम बोले तो जो लास्ट हम लोगों ने एनालाइज किया था, तो कहने का मतलब इसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, मोर्टिलिटी ज़्यादा नहीं है। 80-85% केसेस बिल्कुल माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, जिसमें पेशेंट को माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड ड्राई कॉफ, थोड़ा सोर थ्रोट, माइल्ड फीवर, एंड दे रिकवर इन फ्यू वीक्स ऑफ टाइम, और दे मे नॉट हैव फीवर इनिशियली। उसके बाद जो 10-15% केसेज है उसमें सीवियर केसेज होने के चांसेज रहते हैं, और जो वेंटिलेटरी सपोर्ट वगैरह ये तो नियरली 1% लोगों में देखा गया है। जो वेरी सीवियर केसेज है 3-4% है। तो कहने मतलब 3-4% केसेज ऐसे हैं जिनको कोई आपको आईसीयू रिक्वायरमेंट चाहिए या आपको वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए। लेकिन किसी किस्म की महामारी भारी पड़ सकती है, इसीलिए कोरोना की स्टेज 3 से लड़ने के तरीके समझने जरूरी है। स्टेज 3 कोरोना की चुनौतियां तकरीबन स्टेज 2 कोरोना जैसी ही होंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि स्टेज 3 में चुनौतियों का असर बढ़ जाएगा। जब स्टेज 3 में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ेगी तो कोरोना सतह के संपर्क से फैलने वाला कोरोना भी बढ़ेगा और ज्यादा मरीज होने की हालत जांच और इलाज मुश्किल हो जाएंगे। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि स्टेज 3 से लड़ना आम इंसान के बूते की बात नहीं होगी, इसके लिए सरकारों को मोर्चा संभालना होगा। सस्पेक्ट और पेशेंट मैनेजमेंट के लिए थर्ड फेज के लिए तो
जो गवर्नमेंटल एफर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स हैं और प्रैक्टिकली मीडिया की भागीदारी सबसे इम्पॉर्टेंट है. थर्ड फेज इज ए स्टॉपिंग ऑफ इंटरपर्सनल इंटर पॉपुलेशन स्प्रेड ऑफ द वायरस. एक बार जब सोसाइटी में पेशेंट्स आ जाते हैं वो बहुत बड़े इनविजिबल सोर्स ऑफ स्प्रेड हो जाता है. सो इनविजिबल सोर्स ऑफ स्प्रेड को कंटेन करना हम सब लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसीलिए जो पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट में आए हैं उनको भी प्रॉपर क्वारंटाइन मेंटेन करना है. स्टेज 3 कोरोना से जंग बड़ी होगी, ये हर इंसान खुद कंट्रोल नहीं कर पाएगा. कोरोना से दो दो हाथ कर रहे डॉक्टर्स कहते हैं कि इंसान की आदत ही स्टेज 3 से बचाएगी. जब तक इंसान खुद कोरोना से बचाव करेगा तब तक स्टेज 2 हो या स्टेज 3 वो इससे बचा रहेगा. खुद इंसानों को कोरोना से दूर रहना होगा और अगर संक्रमण है तो सामाजिक जिम्मेदारी समझनी होगी. थिंक इट इज अब आप लोगों का रोल है कि इस मैसेज को इतना स्ट्रॉन्ग प्रोपोगेट करें कि जो स्प्रेड को प्रिवेंट करने के तरीके हैं, दैट आप पब्लिक प्लेस में नहीं जाएं, छींकने का तरीका, खांसने का तरीका, हैंड वॉशिंग का तरीका, उस मैसेज को जितना अधिक आप स्प्रेड करेंगे और पब्लिक उसको अडॉप्ट करेगी तो डॉक्टर्स का रोल ये गाइडलाइंस बनाने का और आप लोगों को देने का है. 10 दिन ये है वक्त का वो फासला जिसे स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच बताया जा रहा है. आने वाले 10 दिन ही बताएंगे भारत में कोरोना किस करवट बैठेगा और किस तरह हिंदुस्तान कोरोना से लड़ेगा. दिल्ली से हर्ष चंदवानी के साथ जयपुर से लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन. कोरोना के स्टेज 3 से बचना और सावधान रहना क्यों जरूरी है, इसकी वजह है स्टेज 3 का वो कहर जिसे चीन और इटली ने देखा है. स्टेज 3 में चीन और इटली में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया. चीन को थोड़ा वक्त मिला लेकिन इटली को संभलने का मौका भी नहीं मिला, यानी कि स्टेज बहुत जल्दी बिगड़ सकती है. अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी कह दिया है कि भारत को कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी होंगी. यानी कोरोना की स्टेज 3 भारत के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं विकसित देशों के मुकाबले कहीं कम है, इसलिए सावधानी ही बचाव है. स्टेज 3 कोरोना, यही है इस महामारी की वो अगली शक्ल जिसे लेकर भारत फिक्रमंद है और सावधान भी, क्योंकि स्टेज 3 कोरोना इटली और चीन में तबाही ला चुका है और अब भारत में स्टेज 3 कोरोना के फैलने की आशंका जाहिर की जा रही है. स्टेज 3 कोरोना से बर्बाद हो गया है चीन. कोरोना वायरस ने दुनिया में दस्तक चीन से ही दी थी. दिसंबर 2019 में चीन में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया, फिर लगातार चीन में कोरोना वायरस के केस बढ़ते चले गए. चीन में कोरोना वायरस का कहर स्टेज 3 में पहुंचा. स्टेज 3 में कोरोना वायरस के चलते 1200 से ज्यादा मौत हुई. स्टेज 2 में मौत का आंकड़ा 2000 था और स्टेज 3 में आंकड़ा 3000 के पार पहुंच गया. चीन को थोड़ी राहत तब मिली जब कोरोना वायरस स्टेज 3 से स्टेज 4 में पहुंच गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. चीन में अब भी टोटल शटडाउन है, हर बड़ा शहर इमरजेंसी मोड में है. स्टेज 3 कोरोना से दहला इटली. चीन में कोरोना वायरस को स्टेज 2 से स्टेज 3 पहुंचने में तकरीबन 1 महीने का वक्त लगा था, लेकिन इटली में ये मानो पलक झपकते ही हो गया. इटली में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था 15 फरवरी 2020 को. 15 फरवरी से 16 मार्च यानी 1 महीने के अंदर इटली में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1 से 31 हजार पहुंच गई. इटली में कोरोना वायरस से अब तक 2941 मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. इटली और चीन की हालत देखने के बाद ही लोगों के अंदर आशंका घर कर गई कि अगर भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में कोरोना वायरस की स्टेज 3 आती है तो क्या होगा. हालांकि भारत के आंकड़े अभी काफी हद तक भरोसा भी देते हैं. भारत में कोरोना वायरस की दूसरी स्टेज तक सिर्फ 3 मौतें सामने आई हैं. प्रतिशत के आधार पर देखें तो ये आंकड़ा 2% ही है, इटली और चीन से बेहद कम. आखिर भारत में कोरोना वायरस की स्टेज 2 के बाद भी मॉर्टेलिटी रेट कम क्यों है, क्यों भारत में कोरोना वायरस तेजी से नहीं फैला, मौत का आंकड़ा इतना कम है. इटली और चीन जैसे विकसित देश जब घुटने टेक गए तो भारत जैसे विकासशील देश कोरोना से कैसे संभल पाया, ये सवाल भी उठे और न्यूज नेशन ने इनकी भी तफ्तीश की. इस पड़ताल में सामने आया कि भारत ने कोरोना की रोकथाम के कदम बहुत पहले उठा लिए थे. कोरोना वायरस के चीन में फैलने के साथ ही विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी. वक्त रहते भारत सरकार ने जरूरी प्रावधानों को छोड़कर बाकी सभी वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी. इन सबके साथ ही भारत में कोरोना वायरस को लेकर नागरिकों के बीच जागरूकता ने भी बड़ा रोल निभाया. नेताओं से लेकर सेलिब्रिटी तक सामने आए और लोगों से सफाई और सावधानी बरतने की अपील की.
कोरोना वायरस से भारत लड़ रहा है, लेकिन WHO की वार्निंग बताती है कि अभी बहुत काम किया जाना बाकी है, क्योंकि कोरोना वायरस स्टेज 2 से स्टेज 3 की तरफ बढ़ सकता है। आने वाले 10 दिन बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए कोरोना नई मुसीबतों का सबब बन सकता है। टीम न्यूज नेशन। कोरोना वायरस के स्टेज 2 तक भारत में कोरोना ने कहर नहीं बर पाया है। हम काफी कंट्रोल स्थिति में कोरोना से डील कर रहे हैं, लेकिन स्टेज 3 से लोगों का दिल अभी से धक धक कर रहा है, जिसकी एक वजह हमारे देश का मेडिकल सिस्टम है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, रेलवे स्टेशन पर निगरानी, दफ्तरों का सैनिटाइजेशन, मेट्रो बस में साफ सफाई, दुनिया के लिए महामारी बन चुके कोरोना वायरस से दुदुहात करने के लिए भारत सरकार कमर कस चुकी है। युद्ध स्तर पर कोरोना से बचने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अगर स्टेज 3 आई तो मरीजों की तादाद बढ़ेगी, तो क्या हमारे देश का मेडिकल सिस्टम स्टेज 3 के सितम को सह पाएगा? समझने के लिए ये आंकड़े देखना जरूरी है। अब तक औसतन रोजाना 6,000 लोगों के सैंपल की जांच हो रही है। अगर 30 दिन तक ये प्रक्रिया चली तो 1,80,000 टेस्टिंग की जरूरत होगी। भारत के पास फिलहाल 1.5 लाख टेस्टिंग किट है और 10 लाख से ज्यादा का ऑर्डर किया जा चुका है। यानी 30 दिन में अगर किट नहीं आई तो कोरोना की टेस्टिंग मुश्किल का सबब बन सकती है। डॉक्टर्स का भी मानना है कि अगर कोरोना से दुदुहात करना है तो मेडिकल सिस्टम को मुस्तैद और बेहतर बनाना होगा। टेस्टिंग किट की तरह ही टेस्टिंग लैब्स की भी जरूरत पड़ी है, क्योंकि अगर टेस्टिंग लैब की कमी होगी तो कोरोना की जांच करना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल कोरोना की जांच के लिए देश भर में 71 से ज्यादा लैब हैं। अभी 49 और लैब तैयार की जा रही हैं। यानी सरकार को भी आशंका है कि कोरोना का कहर अभी थमने वाला नहीं है। ICMR भी कह चुका है कि 30 दिनों के अंदर कोरोना को काबू करना ही भारत का मकसद है, वरना ये जानलेवा वायरस पूरे देश में फैल सकता है। इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर को भी कोरोना से जंग में शामिल करने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त हर सावधानी बरत रहा है, क्योंकि चुनौती कोरोना से लड़ने के साथ साथ उसे स्टेज 2 में ही रोके रखने की है, यानी स्टेज 3 तक ना आए, जो कि चीन और इटली में हुआ है। नहीं तो हिंदुस्तान जैसे घनी आबादी वाले देश में ये एक बड़ी महामारी का और एक बेहद घातक रूप अख्तियार कर सकता है।